हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार की घड़ी समाप्त होता है आज। तो आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक घंटा पहले आया है। तो मैं इसे पढ़ के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 17 मई 2023 से 26 मई 2023 तक करे ऑनलाइन आवेदन। यानी कि 17 से लेकर 26 तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट, यानी कि OFSS का ये फुल फॉर्म हो गया कि के माध्यम से नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आज तिथि जारी किया गया, एक घंटा पहले ये जारी किया गया है। नीचे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है कि इस संबंध में श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु विद्यार्थी को दिनांक 17/5/2023 से 26/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें वही बात है कि 17 से लेकर 26 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नीचे में लिखा हुआ है कि अतः बिहार बोर्ड सहित CBSE, उसके बाद हो जाएगा ICSE एवं देश के अन्य परीक्षा बोर्ड के मैट्रिक उत्तीर्ण एवं पात्र विद्यार्थी उक्त तिथि के अंतर्गत आवेदन करेंगे। विद्यार्थी को सूचना देने एवं विस्तृत जानकारी देने हेतु समिति द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 16 मई 2023 को विज्ञापित का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि 16 तारीख से यह क्या किया जाएगा, विज्ञापित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पर नीचे में पढ़ते हैं कि देखो कि विद्यार्थी द्वारा किए गए आवेदन प्राप्त अंक एवं आरक्षण कोटि के आधार पर समिति द्वारा चयन सूची जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने आवंटित संस्थान में नामांकन लेंगे। यानी कि आपका अगर 10वीं में अच्छा मार्क्स आया होगा तब अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें यही कह रहा है, अगर आपको क्या हो जाएगा, अंक के अनुसार आपका कॉलेज का चुना जाएगा। इसमें यही है। आज अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।